व्याकरण क्लास में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने उपसर्ग पर आधारित कुछ विलोम शब्दों को देखा था। आज विलोम शब्द के अंतर्गत हम लोग कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जिसमें अनियमित रूप से विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जैसे श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री, आलोक का अंधकार, आदि का अंत, उत्तम का अधम, उत्थान का पतन, ऋजु का वक्र, कनिष्ठ का विलोम शब्द है ज्येष्ठ, कृपण दानी, क्षुद्र महान, तीव्र मंद, त्याज्य ग्राह्य, ध्वंस निर्माण, निद्रा जागरण। निंदा का उल्टा शब्द होता है स्तुति या प्रशंसा, नूतन का पुरातन, न्यून का अधिक, पालक का उल्टा शब्द होता है संहारक, प्राचीन का उल्टा शब्द होता है अर्वाचीन या आधुनिक, मुख्य का गौण, यथार्थ का कल्पित, विरह मिलन, विस्तार संक्षेप, शीत उष्ण संधि विग्रह सत्कार, तिरस्कार। सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय, स्थूल सूक्ष्म, हर्ष विषाद। अगला पिछला, अग्रज अनुज, अति अल्प, अपना पराया, अपेक्षा उपेक्षा, पूर्णिमा अमावस्या, अमृत विष, अल्पज्ञ बहुज्ञ, उदय अस्त, आगामी विगत। आम का उल्टा शब्द होता है खास, आज्ञा अवज्ञा, उच्च निम्न, उधार
नकद, उपसर्ग, प्रत्यय, एरी, चोटी, कटु, मधु, कठिन, सरल, कायर, निडर, कोमल, कठोर, क्षमा, दंड, खरीद, बिक्री। इस प्रकार हमने आज 50 ऐसे शब्दों को देखा जो अनियमित रूप से अर्थात शब्द के साथ इनमें उपसर्ग नहीं लगाया गया है और यह अनियमित रूप से ये शब्द बने हैं। आगे का हम लोग फिर और इसी तरह के और भी हम लोग विलोम शब्द लेकर उपस्थित होंगे। इससे पिछले जो वीडियो हैं अगर वह आपने नहीं देखा है तो आप जरूर उसे देख लेंगे और अगले दिन हम लोग फिर इसी तरह के और कुछ शब्दों को लेकर उसके विलोम शब्दों को लेकर हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।